नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज हम लोग प्रकृति के बारे में जानेंगे। प्रकृति, जी हाँ, बड़ा ही अद्भुत शब्द है। एक ऐसा शब्द जिसका सटीक विश्लेषण अन्य किसी भाषा में नहीं मिलता, सिवाय हमारे भारतीय संस्कृति और भारतीय मनीषा द्वारा गढ़ा गया ये शब्द प्रकृति में है। इंग्लिश में तो आप प्रकृति का जो अनुवादित शब्द मिलता है वो नेचर या क्रिएशन है, मगर प्रकृति का यदि संधि विच्छेद किया जाए तो आप प्रकृति यानी कृति यानी कि निर्माण और प्र यानी पहले यानी कि निर्माण से पहले की अवस्था। तो निर्माण से पहले की अवस्था क्या थी? पंच तत्व हमारे, जी हाँ, वायु, जल, अग्नि, आकाश और भूमि। जब इन पांच तत्वों के साथ हम कोई खिलवाड़ करते हैं या छेड़छाड़ करते हैं, इनकी जो नैसर्गिक जो इनका तत्व है इनके अंदर, उनके साथ में हम कोई छेड़खानी करते हैं तो कहीं ना कहीं हम प्रकृति के साथ एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसमें हारना हमें ही है, क्योंकि जीतना संभव नहीं है प्रकृति के साथ। जिसका निर्माण पहले ही हो चुका हो और हम उसके बाद आए हों, उससे अगर हम जूझने के लिए तैयार हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने विनाश का रास्ता खुद तय कर रहे हैं। दोस्तों हमने जल के साथ छेड़छाड़ किया, वायु के साथ छेड़छाड़ किया, हमने जमीन के साथ छेड़छाड़ किया, हमने आसमान के साथ छेड़छाड़ किया, और इन सब ने जब मिलकर हमारे साथ छेड़छाड़ किया तो सिवाय रोने और गिड़गिड़ाने के और चिल्लाने के हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। हम आज प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं कि हम इतने करोड़ में ये प्लांट लगा देंगे, ऑक्सीजन निकलेगा वहां से। इसीलिए हमारे बाप दादा प्लांट लगाने के लिए नहीं, पेड़ लगाने के लिए जो है प्रयास करते थे, बाग बगीचा लगाते थे। बाप दादाओं का ये सोचना था कि हमारे पोते जो है फल खाएंगे। वो ये कभी नहीं सोचते थे कि हम महुआ लगा रहे हैं, आम लगा रहे हैं तो हम ही इसका फल खाएंगे। मगर हम पेड़ भी लगाते हैं तो ये सोचते हैं कि ये 3 साल में जो है कलमी आम है, 3 साल में फल देने लगेगा। जब हम फल की इच्छा से कोई चीज़ काम करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा दिनों तक हमें फलीभूत नहीं करेगा। बड़े बुजुर्गों के दिए गए नसीहतों का पालन करना बहुत ज़रूरी है, वरना अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आशा है आप सभी लोग इस कोविड काल से जब बाहर निकलेंगे हम सभी, तो जितना हो सके हम अधिक से अधिक पौधे लगाएंगे और उनकी सुरक्षा करेंगे ताकि वो पेड़ का रूप ले सके, ताकि भविष्य में हमें पुनः प्लांट की ज़रूरत ना हो कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढना पड़े। प्लांट योर ऑक्सीजन टुडे टू अवॉइड ऑक्सीजन सिलेंडर्स टुमारो। जय हिंद, जय भारत।